नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 42 करोड़ के आबकारी घोटाले में क्राइम ब्रांच ने किया एक और आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। पुलिस कर रही है पूछताछ। गुना जिले की चांचौड़ा विधानसभा में सांसद ने रखी कॉलेज भवन की आधशिला। गोमराज तहसील में हुआ आयोजन, विधायक भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। फैजाबाद में धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की पत्नी राजकुमारी ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पति को फर्जी मुकदमे में फंसाया। 42 करोड़ के आबकारी घोटाले में फरार आरोपी जितेंद्र शिवराम को क्राइम ब्रांच ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र करीब एक वर्ष से फरार था। जितेंद्र ने चोरल सिमरोल की शराब की दुकान में जितेंद्र ने 2 करोड़ से अधिक राशि की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था और शासन को राजस्व की हानि पहुंचाई थी। अब पुलिस आरोपी जितेंद्र को रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच ने अब तक 1 दर्जन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्त में ले चुकी है। एक आरोपी है जो अपना नाम बदलकर काम कर रहा है। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और राव विभाग की टीम द्वारा एक कार्रवाई की गई है और इसमें एक आरोपी जितेंद्र शिवराम है, पिता प्रकाश शिवराम है, ये लगभग 32-33 साल जिसकी उम्र है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लगभग एक वर्ष से फरार था, मतलब घटना के बाद जब अपराध पंजीबद्ध हुआ उसके बाद से फरार हो गया था और लगातार मतलब देश के कई शहरों में इसने फरारी काटी। इस दौरान उसने कई जगह काम भी किया और अंततः अभी इसको झाबुआ में जो B4 सिनेमा है वहां से इसको पकड़ा गया है और वहां उसने अभी 20,000 में नौकरी प्रारंभ की थी और इसी की सूचना पर से इसमें कार्रवाई की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो लड़का है, ये मतलब जो राजू दसवंत ठेकेदार था उसके संपर्क में लगभग 2014-15 में ये आया था और उसके बाद ये चूंकि इसके पास पैसे नहीं थे और इसने राजू दसवंत का ये काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसने इसके नाम पर कुछ दुकानें जो आबकारी की दुकानों का जो ठेका होता है उसमें लिया और यहाँ इंदौर में जो सिमरौल और चोरल का एक जो ग्रुप है उसका ये ठेकेदार बन गया और उसी दौरान इसने धोखाधड़ी की है जिसमें लगभग 2 करोड़ का एक जो राजस्व का लॉस हुआ है। इसमें 420/67/78 का मामले में ये फरार था और उसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। गुना जिले की चांचौड़ा विधानसभा में आने वाली कुंभराज तहसील में सांसद और विधायक ने कॉलेज भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता विधायक ममता मीना ने की। कॉलेज भवन की भूमि पूजन के बाद नगर परिषद चांचौड़ा बीनागंज में प्रस्तावित 25 निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया। इसके अलावा आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने की बात कही है। सांसद रोडमल नागर ने अपने संबोधन के दौरान कई बार विधायक की प्रशंसा की और जनता से उनके लिए दोबारा समर्थन भी मांगा। मसूदगढ़ से जीवन वैरागी की रिपोर्ट। महेश्वर की ग्राम पंचायत सेजगांव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसे जानने के लिए जनपद महेश्वर सीओ स्वर्ण लता काजेरे ने सेजगांव का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही राकेश सिंह के घर का गृह प्रवेश करवाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किसी का घर बनता है या उसको कोई काम होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस दौरान उन्होंने गाँव वालों को शासन योजनाओं के बारे में भी बताया। इस योजना में ग्राम पंचायत सचिव कृष्ण पटेल, रोजगार सहायक जितेंद्र, सरपंच सूरज पटेल के साथ साथ गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे उपस्थित हुए। महेश्वर से दीपक यादव की रिपोर्ट। फैजाबाद में धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की पत्नी ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष दुबे पर दर्ज मुकदमे में उनकी पत्नी राजकुमारी दुबे ने जिले के सांसद पर अपने पति को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। फैजाबाद में धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की पत्नी राजकुमारी दुबे ने फैजाबाद जिले से सांसद लल्लू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष दुबे की पत्नी राजकुमारी दुबे का कहना है कि ये लोग मेरे पति की हत्या करा सकते हैं। राम जन्मभूमि विवाद में आरोपी संतोष दुबे की ST/ST मामले में विरोध सभा करने के कारण गलत तरीके से ST/ST में फंसाया गया है। राजकुमारी दुबे ने न्याय न मिलने पर बच्चों के साथ आत्महत्या की भी धमकी दी है। ST/ST एक्ट के विरोध में आवाज उठाई। नाम लीजिए, संतोष दुबे। संतोष दुबे, उसकी वजह से सांसद विधायक को अपनी निश्चित हार
जानते हुए उन्होंने उनके ऊपर FIR दर्ज की, जिसे पुलिस रात में आती है और धमकी देती है, उनको मार डालेंगे, कुर्की करेंगे, जिससे हमारे बच्चे हम सब परेशान हो जाते हैं। इस तरह से कुंठित कार्य ये अच्छा नहीं लग रहा है पुलिसिया, इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये सारा कार्य लल्लू सिंह और सतीश मुहाना इन्हीं लोगों के कार्य से मेरे पति को परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाना चाहते हैं, मेरे पति को न्याय दिलाएं और अपराधी को उन्हें पकड़ा, जितेंद्र पांडे को पकड़ा जाए। FIR ने मेरे पति का क्या दोष था। रुदौली की भेलसर चौकी और उसके आसपास चौकी प्रभारी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत भेलसर चौकी प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने अपने सहयोगी उप निरीक्षक रंजीत सिंह, गौरव कुमार, जितेंद्र कुमार यादव और SPO सहनवाज ने चौकी पर उसके आसपास पड़े कूड़ा और ईंट पत्थरों को साफ कर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विनोद कुमार सिंह ने कहा कि हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग सबसे पहले जहां रह रहे हैं उसके आसपास साफ सफाई रखें। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी के खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।